Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े श्री प्रसून जोशी के इसी गीत को लॉन्च करने के लिए, इसके शुभारंभ के लिए मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा अपने माननीय मंत्री श्री गडकरी जी से कि वो बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। जय जय गंगे, स्वच्छ करेंगे, जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नहीं रुकेंगे स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, जय जय गंगे। सम्माननीय सांसद, प्रख्यात नृत्यांगना व फिल्म कलाकार सुश्री हेमा मालिनी जी से गुजारिश करूंगा ऐसी ही अपील के लिए। नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे, माननीय श्री अरुण जेटली जी, माननीय श्री गडकरी जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सत्यपाल जी, अर्जुन मेहवाल जी, प्रसन्न जी, इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी गंगा के श्रद्धालुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा क्लीन मूवमेंट में भारत सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को नितिन गडकरी जी आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें आज ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कई लोग योगदान देने के लिए आगे बढ़कर आए हैं। मैं वैसे बाकी लोगों से भी ये अपील करूँगी, जितने लोग इसमें जुड़े उतना कम है। मैं तो चाहूँगी कि पूरे भारत के सारे देशवासी इसमें जुड़ें, उनका कर्तव्य है गंगा को साफ सुथरा रखना। ऐसी एक पावन नदी हमारे बीच बह रही है जिसका पूरा महत्व, उसका मूल्य मालूम होना चाहिए लोगों को। मैं चाहती हूँ कि माँ गंगा द्वारा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं भी 1 लाख का चेक देने के लिए वादा कर रही हूँ। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये नृत्य नाटिका मैं करूँगी वहाँ से भी मैं बहुत सारे धनराशि इकट्ठा कर इस मिशन के लिए मैं अर्पित करूँगी। मैं चाहूँगी कि भारत के सभी देशवासी इस पे जुड़े, ख़ास तौर पर वो लोग जो गंगा तट पर रहते हैं। उनका कर्तव्य है कि वो तो नहीं साफ सुथरा रख सके गंगा को, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ज़रूर बता सकते हैं, युवा पीढ़ी को, कि कैसा रखना चाहिए, क्योंकि वही लोग आगे बढ़कर जाएंगे। इसके अलावा जितने लोग गंगा में जाकर डुबकी मारकर जो पाप धोने के लिए जाते हैं उनका भी कर्तव्य बनता है गंगा के प्रति, गंगा के लिए कुछ योगदान दें, कुछ आहुति दें। माँ गंगा कुछ ऐसी देव नदी है, इसे कहते हैं वैकुंठ वासिनी सब पाप नाशिनी, विष्णु चरण कमल विहारिणी, मुक्तिदायिनी, कल्याणकारिणी, त
तव दर्शनार्थ मुक्ति, मतलब उसका दर्शन करने से ही हमें मुक्ति मिलती है। तो उसमें हम अगर उस पावन नदी को हम हाथ लगाते हैं तो हमें कितना पुण्य मिलता है। इतना पाप धोते धोते वो आती रही है, कितने सालों से, कितने युगों युगों से बहती आई है ये गंगा, आप सब जानते हैं। पूरा युग को देखा है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग, और कितने महापुरुष आए गए, उन लोगों को भी देखा है गंगा ने, और उन लोगों ने गंगा के ऊपर, उसकी निर्मलता के ऊपर कितनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है। शंकराचार्य का आप देख सकते हैं कितना सुंदर उन्होंने गंगा के लिए लिखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा है। सो गंगा भारतवर्ष की इतिहास की साक्षी है। गंगा, शी हैज सीन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री, शी हैज विटनेस द होल कंट्री। ऐसी एक पावन नदी हमारे बीच बह रही है, ऐसी सुंदर पावन निर्मल ऐसी गंगा नदी है, लेकिन आज उसकी क्या हालत है, हम लोगों ने उसे क्या कर रखा है, ये हमें बहुत लज्जित होना चाहिए। लेकिन वो माँ गंगा तो अपनी काम करती जा रही है, जैसे प्रसन्न जी ने अभी जो कविता सुनाई, माँ अपना काम करती है, सबको पाप मुक्ति देती जा रही है, सबको पाप से आगे बढ़ाती जा रही है, लेकिन हम क्या किया बदले में, प्रदूषित किया, गंदा किया, मैलित किया, हमें लज्जित होना चाहिए इस बात के लिए। लेकिन मुझे आज बहुत ही गर्व है कि हमारी सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये गंगा मूवमेंट शुरू हुआ है। आज़ादी के बाद भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन किसी ने इस गंगा के ऊपर किसी ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये काम शुरू हुआ है। नितिन गडकरी जी इतनी तेज़ी के साथ इसे आगे लेकर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि और सारे लोगों को भी आगे आए बढ़े, और ये जो खोई हुई शुचिता जो गंगा का है, उसके हम पुनः वापस लेकर आने में हम सब मिलकर कुछ काम करें। सब मेरे साथ कहिए, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आज आपने 1,00,000 रुपये का फंड दिया है। 1,00,000 रुपये तो कुछ नहीं है, इसमें तो बहुत सारा देना जरूरी है। मैम इस वक्त जो है देश में सैनिक, इसलिए आज कार्यक्रम था मेरा, आज शाम को गंगा के ऊपर हम नहीं कर सके। दोबारा एक सवाल, आक्रोश है मन में सब लोगों को, इसी वजह से पोस्टपोन किया गया है, बाद में करेंगे। लेकिन जो हुआ है, जो मोदी जी ने किया है, जो वापस जवाब दिया है, Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional online radio.